बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल के पोखरा में एक विमान हादसा हो गया है। यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। इस विमान में 68 लोग सवार थे। काठमांडू से ये विमान जो है वो पोखरा जा रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं नेपाल से, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का ये विमान था जिसमें 68 लोग सवार थे और नेपाल के पोखरा में ये विमान हादसा हुआ है। आपको बता दें 68 लोग उसके अंदर थे और काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक पोखरा का जो इलाका है नेपाल का, वहां पर ये हादसा हुआ है। वजह यहां पर क्या रही ये स्पष्ट होना बाकी है। क्या किसी तरह का कोई टेक्निकल एरर था, मौसम खराब, ये सारी चीजें स्पष्ट होना बाकी है। ये देखिए तस्वीरें भी यहां पर निकलकर सामने आई है। जब क्रैश हुआ उसके बाद किस तरह से धुआं वहां पर उठता हुआ नजर आया। लोग जो है वो वहां पर इकट्ठा हो गए थे। पोखरा इलाका ये दरअसल बताया जा रहा है जहां पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। वहां पर लोगों की भीड़ जो है वो आपको दिख रही है, क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ जोर से आवाज जब आई तो उसके बाद जितने भी वहां लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए।